खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। यात्रा में पूरे इंदौर से लगभग 55 यात्री आए हैं और ऐसा लग रहा है 55 परिवार आया है, जो हर यात्रा का आनंद कुछ अलग होता है। और हमारे यहाँ के कृष्ण भगवान जो गाड़ी चला रहे हैं उनका भी एक अलग आनंद है। तो देख सकते हैं आप, बताइए इस यात्रा में जो यात्रियों की ओर से आपको कैसा अनुभव है ये बताइए आप। लोग बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लोग मस्ती ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम गोवा की यात्रा का जो आनंद नहीं मिला वो इस यात्रा में मिला। क्या कहेंगे आप कि यात्रा भी है और घूमना भी है और मस्ती मजा है, क्या कहेंगे? यात्री तो इतना भाव है कि वो तो कुछ उनके भाव ही नहीं बोल रहे, सब आंखों से बाहर आ रहे हैं। सबको यात्रा के तौर पे मैं 3-4 से आता थोड़ी लूंगा। अच्छा इनको देना है, अच्छा यू ए ले भैया, तुम सब आप भी दो मरो, आप खाने लायक थोड़ी हो ले भैया, चलो हो गया। तो देख सकते हैं हिमाचल श्रीनगर अखिलेश जैन सितंबर देख मंदिर ही है, काफ़ी भव्यता प्रदान करता है यह गेट अपने आप में ही, काफ़ी अच्छी मूर्ति है और बहुत अच्छा यहाँ मनाया गया। और यह हमारी एयरप्लेन जो कुछ ही समय बाद उड़ने वाला है। अरे हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा डब्लू डब्लू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू, दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू, साल के दिन पता चलता है टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जैसे ग्रुप का मैसेज देखा, इन्होंने अमित जी से संपर्क करके और चेन्नई से हमारे चेन्नई से इंदौर आए और इंदौर से बस में यात्रा में हमारे साथ में चल रहे हैं और वापस इंदौर जाने के बाद हम तो अपने घर चल जाएंगे, लेकिन इनको 2 दिन लगेगा चेन्नई पहुंचने में। और ताली से बजाओ साहब, अनुमोदन करो। हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, बंदा निकालो भैया। भाई साहब जो मना करे मेरे को दे देना, घबराना मत, मैं ले लूंगा, कोई मना नहीं करूंगा मैं। हाँ साहब एक मिनट, जितने भी हमारे संघ में यात्री आए हैं वो यात्रा करने के बाद हमारे संघ यात्री हो गए, तो उन संघ यात्रियों की अनुमोदना, उनका बहुमान करना, हमारे यात्रा में जो जब यात्री आए उनके कीर्ति मुरार, कीर्ति जी मुरार राजगढ़ वालों की ओर से सभी की संघ प्रभावना 20-20 रुपए की जा रही है। सभी संघ यात्रियों की ओर से संघ प्रभावना करने वाले भाई कीर्ति जी मुरार की बहुत बहुत, और सुमित जी सराफ एक और जिन्होंने संघ पूजा में संघ लाभार्थी बनकर सबका जो बहुमान कर रहे हैं 20-20 रुपए की संघ पूजा, कीर्ति जी मुरार और सुमित जी सराफ सराफ राजगढ़ वाले। अब जिनको भी मोहन खड़ा जाना हो और मोहन खड़ा में रूम की व्यवस्था नहीं हो तो राजगढ़ में सुमित जी सराफ के यहाँ पे पूरी टेरेस खाली है ऊपर की, और 50 मेंबर की व्यवस्था टेरेस पे है और 5 मेंबर की व्यवस्था रूम में है हमारे लिए, हमारे लिए 50 रूम, 50 व्यक्तियों की व्यवस्था रूम में है और 200 मेंबर की व्यवस्था टेरेस पे। अब आप कितनी बस ला सकते हो, लाओ और जिनको भी मोहन खड़ा जाना हो। अब हम आ चुके हैं सोनाना खेतला जी जूनी धाम सोनाना मंदिर पर, और अभी लगभग रात्रि 9 बजने के हैं। आप देख सकते हैं मंदिर परिक्रमा में आ चुके हैं, इंदौर से पूरी बस आई है। Thank you.
आपका हमारे साथ में अर्पिता विकास जैन जो यात्रा में हमारे साथ में चल रहे हैं, इनकी विकास जी की इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने पेट की हलचल की नाम से बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, उसमें बहुत जायकेदार भोजन मिलता है। मेरा आप सबसे यात्रियों से विनम्र निवेदन है कि इंदौर में एक समय निकाल कर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने पेट की हलचल रेस्टोरेंट पे भोजन करना अवश्य पधारे। मैं अर्पिता जी विकास जैन की ओर से आप सबको वहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ, एक बार जायकेदार भोजन करने के लिए सभी। और जिसको खाने के बाद कुछ हलचल नहीं हो तो उनको बोलना हलचल क्यों नहीं हुई। और दाल बिस्किट के नाम की डिश बनती है वहाँ पे, स्पेशल डिश बनती है, आप सब बता रहे हैं। पूरे इंदौर में एक ही है, पूरे इंदौर में एक ही रेस्टोरेंट है वो इस टाइप का। बोले अन्नपूर्णा माता की जय। एड्रेस बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने सर्विस रोड, सर्विस रोड बॉम्बे केमिस्ट्री और बॉम्बे पेट की हलचल के नाम से उनकी शॉप है और दाल बिस्किट नाम की स्पेशल डिश बनती है। चलो नेक्स्ट चलो वहाँ पधारिएगा साहब, सबको निमंत्रण है, शाम की पार्टी वहीं पे सब जगह ताली बजाओ। अच्छा आज के संपति अर्पिता जी जैन सेक्शन नंदे यहाँ पे बैठी है और हमारे यहाँ पे चोमेरा से हमारे तीन तीन बच्चे नाकोला भगवान की माता मानने आई थी कि नाकोला जी हमारी सुनवाई करो। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, अब हम आ चुके हैं हिमाचल सूरी में मंदिर में। यह एक तरह से पूरा स्वर्ण मंदिर टाइप का बनाया हुआ है, देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर भगवान आदेश्वर भगवान की यहाँ पर मूर्ति है और जो अंदर फोटो की इतना अलाउ नहीं है और फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छी कशीदाकारी और बहुत ही अच्छी मूर्ति है और चमत्कारिक मूर्ति है। कहते हैं कि इस मूर्ति के दर्शन करने से ही मन के जो भी भाव है वो पूर्ण हो जाते हैं और आप देख सकते हैं मंदिर को बिल्कुल रथ के तरफ बनाया गया है, चारों तरफ इसमें स्वर्ण जो कहते हैं ना स्वर्ण से इसकी कशीदाकारी और अन्य इसका रंग रूप किया गया है। मंदिर बहुत ही भव्यता अपनी प्रदान करता है चारों तरफ और आज हम यहाँ पर विशेष रूप से दर्शन करने के लिए आए हैं। चारों तरफ काफ़ी अच्छी धर्मशाला है और बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है और यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल जो देखते हैं यहाँ पर ठंड काफ़ी अच्छी है। इंदौर से यात्री अपने फ्लाइट की ओर रवाना हो रहे हैं। यह है परी जो उड़ती है पर नाम इसका परी है, देख सकते हैं। तो बिल्कुल चलते हैं हम, आप कुंभलगढ़ की ओर जा रही है, देख सकते हैं चार ऊपर हनुमान जी के चारों बैठे छोटे बड़े नन्हे मुन्ने और ये सामने पेड़ पर रख का दिखना चाहिए। तो देख सकते हैं ये हमारी बस के सब सहयात्री है जो आज हमारे साथ मस्ती मार रहे हैं। चलो बताइए आपको, एक मिनट बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर यात्रा में, और आपको किस कौन से पत्ते पे क्या क्या इनाम मिला, थोड़ा सा बताइए किसको मिला है यहाँ पर। चिड़ी की मेल चढ़वा। हाँ बेटा, तुमको कैसा आनंद आ रहा है, एक नंबर। तो जो खा रहे वो नीचे भी तो दो, बताइए आप यहाँ पर आए कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा, हम चले से हैं और बहुत अच्छा लगा। बताइए हमारे ये चुन्नू मुन्नू दोनों जनों में पास बैठे, मेरा माता खा दिया, इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया मेरे को। हमको बहुत अच्छा लगा है और हमारे केबिन। बताइए साहब। हाँ साहब, आप यहाँ पर आए कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ पर क्या कमी लगी है बताइए। कमी नहीं लगी, बहुत ज्यादा आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पर आप बस में आए, दादी आप यहाँ बस में आए, आप यात्रा में आपको क्या कमी लगी बताइए। कोई कमी नहीं लगी, कोई भी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और इस यात्रा में सबसे युवा से मिलते हैं अंकल युवा वर्ग, बताइए आपको कैसा लगा भाई। सुनो भाई सेलन जी, आपकी जो खबर पे नजर है हाँ। और पूरी यात्रा में आपने जो खबर पे नजर रखी और हमारी हर धार्मिक गतिविधियों पे आपने जो फोटो सेशन लिया है, मैं उसके लिए बस के जितने भी यात्री आए उनकी ओर से आपका आभार मानता हूँ। और हम अभी यहाँ पे कुंभलगढ़ जा रहे हैं, हमारे सभी यात्रियों ने पिकनिक स्पॉट के हिसाब से पूरा अपने को मूवमेंट कर लिया है
जैसा कर लिया है, अब इसमें कौन सासू है और कौन बहू है आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसमें आप कल तक तो हम लग रहा था, कल तक तो लग रहा था हम यात्रा पे आए, पर आज लग रही है हम गोवा घूमने आए। चलिए आपको कैसा लगा बताइए, चलिए बताइए आप इस यात्रा में आए। हेलो आंटी, आप इस यात्रा में आए, कैसा आनंद आपका अनुभव बताइए। बहुत आनंद आया, हर जगह हमने अच्छे से एंजॉयमेंट करा। चलिए अब आगे कुंभलगढ़ में आपको गोवा की यात्रा भी होगी, उसमें पूरा ही घूमना है। चलिए अंकल बताइए, आप यहाँ पर सबसे युवा वर्ग में है, आप क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर। अच्छा, सामूहिक रूप से अच्छी यात्रा। चलिए आंटी आप बताइए, आंटी सॉरी सॉरी दीदी बताइए आप। चलिए दो ऊपर भाभी जी बेटे बताओ कैसा लग रहा है आपको। भाभी जी आपका यात्रा का संस्मरण बताइए कैसा लगा आपको। अच्छा लग रहा है। अच्छा बताइए आप कैसा लग रहा है आपको। चलिए बताइए आप इस यात्रा में आए हैं, आपको क्या कमी लगी और क्या अच्छा लगा बताए आप। अच्छा एक चीज और, इस यात्रा में कुंभलगढ़ हम जा रहे हैं तो सफारी में किस किस को घूमना है ये बताइए, क्योंकि उसमें सफारी में एक शर्त है, जो सफारी पहनेगा वही सफारी का आनंद लेगा, कुर्ते पजामा वाला कोई नहीं लेगा। टी शर्ट वाला नहीं, क्या सफारी वाला सफारी का आनंद लेगा, बाकी पैदल वाला पैदल यात्री नहीं लेगा। चलिए अब आगे की यात्रा का विवरण लेते हैं। आपके साथ यात्रा करने का हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबको झेल रही हूँ। आपने जो हमारा बताइए साहब, आप यहाँ पे यात्रा में आए, आपको क्या कमी पेशी लगी और क्या आनंद ले रहे कि ले रहे आप। देखो पेश की तो बात सबसे ज्यादा इनाम जीते हैं। आपको यात्रा में क्या कमी पेशी लगे बताए आप। हम खुद आलसी रहे, कमी पेशी हमसे ही रही। अच्छा तो आप भी पीछे वाली रोड में आ जाइए, वहाँ भी आनंद आ जाएगा आपको भी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, जनता का प्रेम और अनुभव हमें अच्छा मिला, और सिर्फ हम चाहते हैं ऐसी ही जनता में हम जहाँ भी जाए उस टाइप की मिलती रहे। देखिए परिवार का आनंद होता है जब हम कहते हैं कि हम जब बस में रहते हैं तो बस एक अपने आप में एक परिवार होता है, तो परिवार का आनंद लेने का मजे अलग है, क्योंकि कुछ समय के लिए हर आदमी अपनी उम्र और अपना काम का छोड़ के आता, तो वो इसीलिए आता है कि एंजॉयमेंट करे अच्छे से। बढ़िया प्रोफेशन और एज भूल जाता है बस, बिल्कुल। चलिए अब आप बताइए आपका यात्रा का संस्मरण कैसा रहा आपका बताए। मजा आया आपको। बताइए आप इस यात्रा में आए, आपको क्या लगता है क्या कमी थी क्या अच्छा रखा। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा था बस, और काफी आनंद आया। बताइए आपको फोटो सेशन में भैया की तरफ से कोई कमी पेशी तो बता सकते हैं इसमें आप। नहीं नहीं शानदार टूर रहा, शानदार टूर रहा। चलिए बताइए आप इस यात्रा में आए, सोते मस्ती ले रहे क्या कैसा लग रहा है आपको। कुछ क्या कमी पेशी लगी आपको। कमी तो है, जो प्रोग्राम डाले थे उस हिसाब से चल नहीं पा रहा है। लोग क्या होता है इस यात्रा में लगभग कुछ एक लोग होते हैं जो समय को पाबंद नहीं हो पाते, पर अब हम कुंभलगढ़ में यदि जो रह जाएगा उसको शेर के आगे डालेंगे तो वो थोड़ा सा अगले समय पर वो टाइम पे आएगा। बताओ बच्चे लोगों तुमको कैसा लगा, कैसा लगा किले पार्टी को, कैसा मजा आया, मजा आया कैसा लगा आपको, आपकी याद बताइए। भाभी जी सो रहे क्या, अच्छा इधर कैसा लगा दीदी, बोलो दीदी। चलो ओ तू उधर जा, हो गया सर जी मैं भाभी जी क्या कर रही। अरे वो तो ऐसा स्लोगन रखना पड़ता है ना, हिंदी याद नहीं रखते लोग ऐसे। कैसा लगा आपको, कैसा लगा बहुत एंजॉय किया। और देख सकते हैं अब हम, कैसा लगा बताइए आपको यात्रा में, क्या आनंद लिया मस्ती ले रहे हैं आप। आनंद ही आनंद है। चलिए बताइए कैसा लगा आपको, हो भैया कैसा लगा आपको यात्रा में आनंद बताया। मजा आ गया, नहीं आया तो बताइए, बिल्कुल आनंद। तो देख सकते हैं अब हमारी गाड़ी जा चुकी है, तो देख सकते हैं कुंभलगढ़। नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं हूं शैलेश श्रीमाल। अब हम आ चुके हैं कुंभलगढ़ के किले पर, और चारों तरफ यहां पर काफी अच्छी व्यवस्था है, और यहां पर देखा जाता है कि 36 किलोमीटर की यहां पर एक दीवार है। आप देख सकते हैं जो पीछे में दीवार का बॉर्डर है 36 किलोमीटर है, चाइना के बाद इसी जो दीवार का नंबर आता है, और चारों तरफ काफी अच्छा किला है। ये लगभग इस किले में
36 किलोमीटर तक का क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसमें 36 समाज के अन्य वर्गों ने इस किले में जीतने में अपनी भूमिका निभाई थी। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो कुंभलगढ़ का किला है इसके बारे में काफ़ी अच्छी जगह है, और हम पूरा परिवार के साथ आए हैं। काफ़ी सुरक्षित छोटे चन्नू मुन्नू हैं और देख सकते हैं काफ़ी भव्य है। इस किले के बारे में माना जाता है कि इस किले को जीतने में लगभग उन्होंने 21 वर्ष तक नंगे पैर रहे और अपने घर परिवार से दूर रहे। उन्होंने एक शपथ दी थी कि यदि मैं जब तक इस किले को लोगों से नहीं अपने पास वापस ले लेंगे तब तक यह किला मेरा नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पियूंगा नहीं, केवल कितना साजो सामान और सोने चांदी के बर्तनों से दूर रहूंगा। और क्योंकि राजा महाराजा जनरली देखा जाता है कि उसी सोने के बर्तन में खाते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी अच्छा है और मेरे तरफ बिल्कुल चारों तरफ आपको दिखेगा। तो आइए चलते हैं इस किले के बारे में और आपको इससे अच्छा बताते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आइए तो यह है कुंभलगढ़ का किला के सबसे टॉप जगह, जहाँ से पूरा कुंभलगढ़ और राजस्थान की काफ़ी सारी जगह बॉर्डर यहाँ से दिखती है। अभी काफ़ी सारी सामने धुंध है जिसकी वजह से यहाँ कुंभलगढ़ का जयपुर का किला भी यहाँ से दिखता है, जो कि अभी नहीं दिख पा रहा है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हाइट और काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। तो ये है, देख सकते हैं चारों तरफ कुंभलगढ़ का किला। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं ये दीवार ही है जो इस कुंभलगढ़ की हमेशा रक्षा करती थी। सामने एक आपको कुछ चीज चमक रही होगी, वो भी एक यहाँ के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर एक ऐसा आपसी संदेश करने के लिए इस प्रकार की लाइट हुआ करती थी, जो आजकल के समय में नहीं है, पर वो लाइट आज भी यहाँ पर है। देख सकते हैं अब बिल्कुल हाइट टॉप पर आ चुके हैं हम कुंभलगढ़ के, और चारों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ही अद्भुत किले हैं। चारों तरफ देख सकते हैं बिल्कुल नज़ारा ही कुछ यहाँ का एक अलग है। अब हम आ चुके हैं कुंभा महल में और यहाँ पर हम यहाँ की कुल देवी के दर्शन कराएंगे आपको। तो अब हम आ चुके हैं कुंभा देवी के, कुंभलगढ़ की देवी के दर्शन करने। यह है कुंभलगढ़ की देवी, आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। कितनी पुरानी है माता जी यह मंदिर? बहुत पुरानी है। आपड़ो कई नाम है? नाम था फोटू मतले। अच्छा, फोटू बताइए, आप कुंभलगढ़ की यात्रा पे आए, कैसा लग रहा आपको? कुंभलगढ़ एक अच्छा पर्यटन स्थल है और अच्छी एक रमणीय जगह है, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण से भरा पूरा है। ठीक है, आपका नाम बताएं? मैं अनिल कुमार। क्या भैया, कहाँ जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको कुंभलगढ़ की यात्रा में? बहुत बढ़िया। क्या नाम है, नाम बताइए अपना? मोहित सेठिया। वहीं खड़े खड़े भी ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है आपको यात्रा में? बहुत बढ़िया। देखा साहब, इंदौर में सब जितने भी यात्री आए सब आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। बताइए, आज आपकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है और यहाँ कुंभलगढ़ और आप आने वाले एक और तीर्थ हो रहे, क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में, कुछ विवरण बताएं? आपका नाम बताएं? चलिए बताइए, आपकी यात्रा में आज अंतिम पड़ाव है और लोगों का काफी अच्छा अनुभव, और आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कुंभलगढ़ यात्रा का हमारा आखिरी पड़ाव था, इसके बाद में नाथद्वारा करते हुए सीधे इंदौर के लिए प्रस्थान कर लेंगे। ठीक है, आपका नाम? यात्रा का बड़ा आनंद आया, सबका सहयोग रहा, उसके कारण यात्रा सबकी। और देख सकते हैं यहाँ पर काफी नौजवान भी यहाँ पर बिल्कुल मस्ती के साथ आ रहा है। ये हमारा प्रथम है, हमेशा आते रहती है, पर नाम इनका प्रथम है। ये इंदौर के यात्री, कैसा लग रहा है बताइए? आप चेन्नई से आए यहाँ कुंभलगढ़ की यात्रा के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगा आपको यहाँ पर, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम बताए? अनिता सकलेचा। दिलीप सकलेचा। धन्यवाद। Thank you.
1, 2, 3 आप भी यात्रा में आनंद ले रहे हैं, बताइए आप सबको कैसा लगा कुंभलगढ़ का मेला? बोला धन्यवाद, आप सभी का नाम परिचय दीजिए जल्दी से। डॉक्टर विनोद जैन। आपका दिनेश जैन शाहजापुर। आप बताए? संगीता जैन शाहजापुर। संजय जैन रतलाम। मक्सी जैन। सरिता जैन। प्रमिला जैन रतलाम। जय जिनेश। आप कहाँ से? पास आप उदय।